आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि दोस्तों आपका चैनल नया नया मोनेटाइज हो चुका है और चैनल मोनेटाइज होने के बाद अब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको सबसे पहले क्या सेटिंग करनी है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप अपने लोगो पर क्लिक करेंगे। लोगो पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल YouTube स्टूडियो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू यूट्यूब प्रोग्राम। अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो हमारे पास यह नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपका भी चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आप लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड वाले ऑप्शनों में आप देखेंगे अर्न का ऑप्शन है, तो आप सिंपल इस पर आ जाएंगे। अर्न वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो हम इन सेटिंगों को करके देख लेंगे कि हमको यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि हमारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमको अपनी वीडियोस पर ऐड लगाना है। तो ऐड लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच पेज ऐड पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी, तो अब हम सिंपल यहाँ पे टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। यहाँ पे रिव्यू वॉच पेज लिखा हुआ है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके वीडियोस पर कैसे कैसे ऐड आएंगे वो दिखाया जा रहा है, तो आप सिंपल सभी पर टिक करके रखेंगे। सभी पर टिक करने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको अपनी सभी वीडियोस पर ऐड लाना है, तो आप सिंपल यहाँ पे ऑल ऑफ माय एग्जिस्टिंग वीडियो पर टिक करेंगे और मोनेटाइज ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है, हमारी सभी वीडियोस पर ऐड लग जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं हमारा सभी वीडियोस पर ऐड शुरू हो गया है, अब हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। हमारी पुरानी वीडियोस पर ऐड शुरू होने के बाद आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे हमारी वीडियोस पर ऐड आना शुरू हो गया है और एक्टिवेट लिखा हुआ है। ये तो हमारा लॉन्ग वीडियोज़ के लिए हो गया। अब हमको शॉर्ट वीडियोज़ का मोनेटाइज करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ के मोनेटाइजेशन पर गेट स्टार्टेड कर देंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आप शॉर्ट वीडियोज़ से अर्निंग कर सकते हैं, तो इसको ऑन करने के लिए टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे और यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों प्रोसेस हो गया है। अब हमारा दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी ऑन हो चुका है। इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर फिर से अपने ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे दोनों ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन ऑन करने होते हैं जब भी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों सुपर चैट को यदि आप गेट स्टार्टेड करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको थोड़ी देर बाद में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मैं दोस्तों इसको थोड़ी देर बाद में इसको ऑन करूँगा। लेकिन आपको ये दोनों ऑप्शन सबसे पहले वीडियो मोनेटाइज होने के बाद कर देना है, क्योंकि इससे आपकी वीडियोज़ पर ऐड आना शुरू हो जाएंगे और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस पर ऐड लगाने के बाद अब हमको अपनी वीडियोस पर ऐड देखना है कि उन पर मोनेटाइजेशन शुरू हो गया है कि नहीं, तो हम सिंपल कंटेंट पर क्लिक कर देंगे। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी वीडियो यहाँ पे दिख जाएंगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। यहाँ पे ऑन ऑन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सारी वीडियोस पर अब ऐड आ जाएंगे और ऐड से आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों अगर आपको चेक करना हो कि आपकी सभी वीडियो पर ऐड लग चुका है कि नहीं, तो आप सिंपल इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, मोनेटाइजेशन पर आएंगे और यहाँ पर लिमिटेड पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहां पर वो वीडियो देख पाएंगे जिन वीडियो पर ऐड नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ उनका रूल होता है YouTube का, जिसकी वजह से कुछ वीडियो लिमिटेड होती हैं जिस पर ऐड नहीं आता है। तो मेरी यहां पर दो वीडियो हैं, तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, आपने इस प्रकार से देखा कि आपका चैनल जब भी शुरू शुरू में नया नया मोनेटाइज हो जाता है तो आपको क्या दो सेटिंग करनी होती हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर दोस्तों आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।